ये है हबल टेलीस्कोप। इसे अंतरिक्ष में धरती की आंख कहा जाता है। हबल पिछले 30 सालों से स्पेस में लगातार काम कर रहा है। इन 30 सालों में इसने NGC 6357, पिलर्स ऑफ क्रिएशन और हमारी आकाशगंगा के केंद्र की तस्वीरें ली हैं। लेकिन अब ये हबल टेलीस्कोप बूढ़ा होता जा रहा है। सन 1993 में इसकी लेंस में आई कुछ खामियों के कारण इसकी पहली बार सर्विसिंग की गई थी। तब से लेकर अब तक हबल की 5 बार मरम्मत की जा चुकी है। सन 2009 में हबल का पूरा सिस्टम आखिरी बार बदला गया था। इसके अलावा हाल ही में हबल के उस हार्डवेयर में खराबी आ गई जिससे हबल के बाकी वैज्ञानिक उपकरण चलते थे। इन सारे कारणों के चलते वैज्ञानिक सन 2030 तक हबल को रिटायर करने की सोच रहे हैं। साथ ही हबल की लेक्सी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में उन चीजों को देखने के लिए बनाया गया है जिन्हें हबल टेलीस्कोप भी नहीं खोज पाया था। 24 अप्रैल 1990। Booster ignition and liftoff of Discovery. हबल टेलीस्कोप को डिस्कवरी स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया गया और 25 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप अपने कक्ष में स्थापित हो गया। इसके ठीक एक महीने बाद 20 मई 1990 को हबल ने अंतरिक्ष के एक हिस्से की तस्वीर नासा को भेजी। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अक्टूबर 2021 में फ्रेंच गुयाना में एरियन 5 स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया जाना है, जहां हबल को पृथ्वी के निचले कक्ष में सदा से 500 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी की सतह से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित किया जाना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के निचले कक्ष में स्थापित किया गया है, जबकि जेम्स वेब को 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित किया जाना है। असल में जेम्स वेब पृथ्वी को ऑर्बिट नहीं करेगा, इसे सूरज के ऑर्बिट में स्थापित किया जाना है। इस ऑर्बिट को सेकंड लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं या फिर L2 भी कहा जाता है। हबल टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पवेल के नाम पर रखा गया है। वहीं सन 1996 में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सोचा गया। बाद में इसी का नाम बदलकर नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब के नाम पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। हबल टेलीस्कोप के निर्माण में नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद ली थी। हालांकि टेलीस्कोप को 1983 में छोड़ा जाना था, पर कुछ टेक्निकल इकोनॉमिकल रीजन की वजह से ये 7 साल बाद 1990 में प्रक्षेपित किया गया। ठीक इसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्रक्षेपण में भी 7 साल का डिले हो चुका है। इस टेलीस्कोप को 3 स्पेस एजेंसियां नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी मिलकर बना रहे हैं। अगर हम मिरर की बात करें तो हबल टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर या फिर 7.9 फीट का है। इसके मिरर में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड की परत लगी हुई है। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर हबल के मिरर से 6 गुना बड़ा है। इसके मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर का है। ये मिरर 18 हेक्सागोनल मिरर से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से हर एक हेक्सागोनल मिरर का डायमीटर 1.32 मीटर है। इन हेक्सागोनल मिरर को इस प्रकार लगाया गया है कि सारे मिरर एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं और इनके फोकस की एक्यूरेसी इंसानी बाल के मोटाई की 10,000वें हिस्से जितनी एक्यूरेट है। इन 18 हेक्सागोनल मिरर्स में सोने की महीन परत चढ़ाई गई है। ये सोने की परत कितनी पतली है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे के पूरे मिरर में केवल 48 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है। हबल और जेम्स वेब का असली फर्क तो इनके लेंस से ही शुरू होता है। हबल टेलीस्कोप के लेंस ऑप्टिकल लाइट और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को डिटेक्ट करने में सक्षम है। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो 0.6 माइक्रोमीटर से लेकर 28 माइक्रोमीटर तक के वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। पर इनका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। असल में ये सारा यूनिवर्स गैसों और डस्ट के बादलों से भरा पड़ा है। इन्हीं गैसों के बादलों से ही तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। इसीलिए कई बार जब इन तारों और ग्रहों की उत्पत्ति होती है उस समय ये गैसों और बादलों से ढके होते हैं।
ये गैस और डस्ट के बादल अधिकतर ऑप्टिकल लाइट, जिसे हम दृश्यमान प्रकाश भी कहते हैं, को सोख लेते हैं, जिस कारण हबल इनकी तस्वीरें नहीं ले पाता। पर इन डस्ट के बादलों को इंफ्रारेड वेव्स पार कर जाते हैं। इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर कॉस्मोस में हबल द्वारा ली गई किसी डस्ट के बादल की तस्वीर ऐसी दिखाई देती है, तो जेम्स वेब से ये डस्ट के बादल कुछ ऐसे दिखाई देंगे। मतलब जिन तारों को हम हबल से देख नहीं पाते, उन्हें हम जेम्स वेब की सहायता से देख पाएंगे। जेम्स वेब हबल की तुलना में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा इसके 6 गुना ज्यादा बड़े मिरर और इंफ्रारेड उपकरणों की वजह से है। पर इन इंफ्रारेड उपकरणों के साथ भी एक प्रॉब्लम है। किसी इंफ्रारेड उपकरण से प्रॉपर तरीके से काम निकलवाने के लिए उनके तापमान को बहुत कम रखना पड़ता है। अगर तापमान बढ़ जाए तो जेम्स वेब के सामने इतना उजाला छाप जाएगा कि वो कोई तस्वीर नहीं ले पाएगा। यही कारण है कि जेम्स वेब को पृथ्वी के ऑर्बिट में न छोड़कर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा, ताकि जेम्स वेब को एक ठंडा वातावरण मिल सके। जेम्स वेब के मिरर को -253 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जाना आवश्यक है। इस तापमान को मेंटेन करने के लिए और जेम्स वेब को सूरज की किरणों से बचाने के लिए जेम्स वेब में 5 बड़े सनशील्ड लगे हुए हैं। सनशील्ड इस तरह से लगाए गए हैं कि ये अपनी सर्विसिंग स्वयं ही कर लें। असल में हबल टेलीस्कोप को इस तरह से बनाया गया था कि उसकी सर्विसिंग स्पेस में की जा सके, पर जेम्स वेब की सर्विसिंग स्पेस पे नहीं की जा सकती। एक बार स्पेस में लॉन्च करने के बाद जेम्स वेब को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। हबल टेलीस्कोप से आकार में काफी बड़ा होने की वजह से जेम्स वेब को स्पेस में लॉन्च करना भी एक बड़ा टास्क था। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह बनाया गया है कि वो पूरी तरह से फोल्ड हो सके। यहाँ तक कि जेम्स वेब के मिरर भी फोल्ड हो जाते हैं। मिरर के अलावा इसका सनशील्ड भी पूरी तरह से फोल्ड हो जाता है। एरियन 5 स्पेस शटल में जेम्स वेब को फोल्ड करके रखा जाएगा। एक बार अपने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जेम्स वेब धीरे धीरे अनफोल्ड होना शुरू होगा। एक बार पूरी तरह से अनफोल्ड होने के बाद जेम्स वेब अपना काम शुरू कर देगा। चूंकि जेम्स वेब हबल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हम 13 बिलियन लाइट ईयर की दूरी से आ रहे लाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे और किसी गैलेक्सी को फॉर्म होते हुए देख पाएंगे। ये काम हम हबल से नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी दूरी से आ रही लाइट इंफ्रारेड वेव्स में बदल जाती हैं, जबकि हबल ऑप्टिकल वेव्स को ही डिटेक्ट कर पाता है। और इसी कारण हम जेम्स वेब को टाइम मशीन भी कहकर बुलाते हैं। जिस तरह से 400 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से बने हबल ने यूनिवर्स के राज खोलने में हमारी मदद की है, उम्मीद है कि 10 बिलियन यूएस डॉलर से बना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स के उन राज से भी पर्दा उठाएगा जहां तक अब तक हबल नहीं पहुंच पाया, और यूनिवर्स के फॉर्मेशन की गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हबल टेलीस्कोप सन 2030 में रिटायर्ड हो जाएगा। मतलब अगले 9 साल हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साथ मिलकर अंतरिक्ष की निगरानी करेंगे और अंतरिक्ष के उन राज से पर्दा उठाएंगे जिनकी खोज खगोलविद आज तक कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।